कोरबा जिले के ग्राम धनराज में एनटीपीसी द्वारा राखड़ डैम बनाया गया है। राखड़ बांध से हो रही समस्याओं और रोजगार की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदेश युवा कांग्रेस के बैनर तले चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि एनटीपीसी प्रबंधन ने दर्री तहसीलदार की उपस्थिति में युवाओं से चर्चा के लिए विकास भवन में बैठक बुलाई थी। बैठक के दौरान युवाओं ने अपनी 11 सूत्रीय मांगे प्रबंधन के समक्ष रखी, जिसमें प्रबंधन ने कुछ मुद्दों पर सहमति जताई लेकिन रोजगार से संबंधित मांगों पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। वहीं प्रबंधन से रोजगार के मुद्दे पर कोई सकारात्मक जवाब न मिलने के बाद नाराज ग्रामीणों ने राखड़ डैम पर पहुंचकर वाहनों को रोक दिया और वहां चल रहे काम को बंद करवा दिया। वहीं ग्रामीणों की मांगों के प्रति प्रबंधन ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे प्रदर्शन काफी समय तक जारी रहा। इसी दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव लक्ष्मीकांत ने बताया कि बाहर के लोगों को काम पर रखा गया है, जबकि ग्रामीण बेरोजगार घूम रहे हैं। यदि प्रबंधन नहीं मानता है तब अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। हम लोग एनटीपीसी प्रबंधन के खिलाफ चक्का जाम, बहुत सारे बिंदु हमारे लगभग 11 बिंदु हैं उसमें, इसके लिए हम लोग चक्का जाम किए हैं। और इसकी सूचना हम लोग 3 दिन पहले एडिशनल मैडम, कलेक्टर ऑफिस में, थाना प्रभारी को और दलित थाना को दे चुके हैं। एनटीपीसी प्रबंधन ने हमको समझौतों के लिए बुलाया था, शांतिपूर्वक बैठक करेंगे करके, और हम लोग गए भी थे वहाँ, सारे लड़के गए थे हमारे गांव के, कम से कम 40 से 50 लोग थे या उनसे अधिक भी थे। तो बैठकर वहाँ बातें कर रहे थे उस संबंध में, जहाँ जिस संबंध में हम लोग कुछ विशेष चर्चा करना चाहते थे, तो वहाँ जाकर बात फंस गई। 1-2 बिंदु पे ही बात हुआ, बाकी सारे बिंदु छूट गई। फिर हम लोग गांव वाले उठकर आ गए, क्योंकि अब अपनी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम बैठ कर क्या करेंगे उनके साथ। और हम जितने धनराजवासी, जितने भाई हैं, सब हम एनटीपीसी में प्रबंधन एनटीपीसी के पास गए थे। उन्होंने बुलाया था कि हम जो हड़ताल के किए थे कि रोजगार को लेकर, उसके लिए उसने समझौता के लिए अपने EDM बुलाया था, तो उसमें गए, वहाँ समझौता तो हो नहीं पाया। इसी अवज में आकर हम लोग गांव में चक्का जाम कर दिए हैं कि अरे रोजगार का मुद्दा था तो उसमें एनटीपीसी नकारते हुए नजर आए। जब तक सर जी हम लोग को जो हमारी मांगे हैं वो मांग को जब तक एनटीपीसी पूर्ण नहीं करेंगे तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग बैठेंगे। एनटीपीसी में भी बैठे उनके साथ में, लेकिन वहाँ आश्वासन नहीं मिलने के कारण हम लोग यहाँ राखड़ डैम के पास सब मौजूद हैं। लेकिन मेरी भी समस्या थी, मेरे को एनटीपीसी के द्वारा मुआवजा राशि दिया जा चुका है जमीन के अवज में, जिसमें उन्होंने बेनिफिट के एवज में हर खाते में 5.5 लाख रुपये देने का वादा किया था। उसमें हम 5 महीने को काटने के बाद सबको भुगतान कर चुके हैं 4 महीने पहले। उसके बाद 5 लोगों ने हमने हाईकोर्ट में अपील की, हाईकोर्ट के आदेश 4 महीने पहले से आ चुका है, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे मुआवजा राशि को नहीं दिया है।